नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पोस्टल स्टडी की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आंसर की जम्मू एंड कश्मीर का जो GDS 2 MTS पेपर हुआ है उसके बारे में। तो सभी 50 क्वेश्चन को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सेट ए है हमारे पास, तो ठीक है शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस। तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ED सब पोस्ट ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 2 है, पोस्ट ऑफिस इन चार्ज ऑफ ग्रामीण डाक सेवक इज कैप्ट ओपन फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ। ठीक है, ग्रामीण डाक सेवक के चार्ज में जो पोस्ट ऑफिस होते हैं वो मैक्सिमम 5 घंटे तक खुले रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑप्शनल हॉलीडे। होली, गणेश चतुर्थी, महाशिवरात्रि और ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शनल हॉलीडेज हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन हो चुके। आगे है क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है, फ्रैंकिंग इम्प्रेशन शुड बी ग्रीन कलर, ब्लू कलर, रेड कलर और ब्लैक कलर। तो राइट आंसर रहेगा इसका क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी, रेड कलर। मनी ऑर्डर एड्रेस टू पोस्ट बॉक्स नंबर, जो मनी ऑर्डर अगर पोस्ट बॉक्स नंबर पे एड्रेस किए गए तो उनको कैसे डिलीवर किया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। विल बी डिलीवर्ड पेड थ्रू पोस्टमैन सो लॉन्ग द पर्सन और फर्म रेंट द पोस्ट बॉक्स। ठीक है, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 है, विंडो डिलीवरी विल बी मेड इन केस ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल वैल्यू इज मोर देन 500। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMO। EMO की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 5000 राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, एनी पोस्टल आर्टिकल कैन बी रीडायरेक्टेड। तो रीडायरेक्टेड कहाँ से हो सकता है, कोई भी पोस्टल आर्टिकल, बाय द ऑफिस ऑफ पोस्टिंग, बाय द ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन, बाय द ऑफिस ऑफ इंटरमीडिएट ऑफिस। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8 का, ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन। क्वेश्चन नंबर 9 है, आर्टिकल एड्रेस टू द डिजीज पर्सन। ऐसे आर्टिकल जो कि डिजीज पर्सन को भेजे गए मृत व्यक्ति को, तो वो कैसे होंगे, तो शैल बी डिलीवर्ड एट द डिस्क्रिशन ऑफ PM। पोस्टमास्टर के विवेक पर निर्धारित करता है, वो चाहे तो डिलीवर करवा सकते हैं, नहीं तो रिटर्न टू सेंडर हो जाएगा। मनी ऑर्डर विल बी पेड, मनी ऑर्डर किसको पे किया जाएगा, पेरेंट्स ऑफ द पे, एनी पर्सन ऑफ द फैमिली मेंबर रेजिडेंसिंग एट द सेम एड्रेस इफ पे नॉट प्रेजेंट, या फिर पे ऑफ द MO एट द एड्रेस। तो ऑप्शन नंबर सी, पे ऑफ द MO एट द एड्रेस। आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11, इफ एन आर्टिकल इज़ रिफ्यूज्ड इट विल बी कैप्ट इन पोस्ट ऑफिस फॉर। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा यहाँ पे, तो उसको नहीं रखा जाएगा, रिटर्न इमिजिएटली टू सेंडर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, ऑल आर्टिकल सब्सक्राइब टू बी कैप्ट टिल फॉर, टू बी वेट अराइवल इज क्लासिफाइड एज। तो इसका राइट आंसर होगा पोस्टल रेस्टांटे आर्टिकल्स, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13, सजेशन एंड कंप्लेंट बुक्स आर मेंटेन्ड बाय, तो ऑल पोस्ट ऑफिसेज, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, हैंडलिंग चार्जेस ऑफ एनवेलप फॉर बिजनेस रिप्लाई कार्ड इन एडिशन फॉर पोस्टेज पर आर्टिकल इज ₹1, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15 है, एयर मेल चार्जेस इज फ्री फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो राइट आंसर है लेटर के लिए, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास मेल होता है। ठीक है, एन आर्टिकल रिटन विद रिमार्क्स बाय रजिस्टर पोस्ट फाउंड इन लेटर बॉक्स, तो उसका क्या किया जाएगा, 4 ऑप्शन है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 16, तो राइट आंसर है इसका हैंडेड ओवर टू रजिस्ट्रेशन PA। क्वेश्चन नंबर 17 है, द फी पेड फॉर एक्नॉलेजमेंट कार्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल, तो इसका ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, फ्री। इंश्योरेंस इज कंपल्सरी इफ द आर्टिकल कंटेन्स, तो राइट आंसर है गोल्ड कॉइन, बुलियन, करेंसी नोट्स एंड एनी अदर वैल्यूएबल आर्टिकल्स, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, करेंसी पीरियड ऑफ एन IPO इज, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इसका, 2 ईयर्स। अ फैमिली अलॉटमेंट मनी ऑर्डर इज रिमिटेड बाय, फैमिली अलॉटमेंट मनी ऑर्डर किसके द्वारा भेजा जाता है, तो डिफेंस अथॉरिटीज, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। स्टैम्प्स अदर देन पोस्टेज अफेक्ट ऑन द पोस्टल आर्टिकल, तो 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी विल नॉट बी कैंसल्ड, है ना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ VPMO, VPMO की कॉस्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 22, तो राइट आंसर हो जाएगा ₹0.25।
ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, पोस्ट बैग फैसिलिटी इज़ अवेलेबल एट, तो कहाँ पे होती है पोस्ट बॉक्स फैसिलिटी और डिपार्टमेंटल डिलीवरी पोस्ट ऑफिसेज। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, व्हाट इज़ द मिनिमम एंड मैक्सिमम वेट ऑफ बल्क बैग। ठीक है, बल्क बैग का मिनिमम एंड मैक्सिमम क्या वेट होता है, 5 kg मिनिमम और 30 kg मैक्सिमम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 25 है, अ ब्रांच ऑफ RMS वेयर क्लोज बैग आर रिसीव्ड एंड डिस्पैच्ड इज कॉल्ड। ठीक है, अ ब्रांच ऑफ RMS वेयर क्लोज बैग आर रिसीव्ड एंड डिस्पैच इज कॉल्ड, तो ट्रांजिट मेल ऑफिस, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, रेलवे मेल सर्विस वर्किंग ऑन रेलवे और रिवर स्टीमर्स लाइन इज कॉल्ड। ठीक है, तो ट्रांजिट सेक्शन उसे कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी। 27 है, जर्नी परफॉर्म्ड बाय अ सेट ऑफ सेक्शन ट्रेवलिंग ऑन ड्यूटी फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ऑफ इट्स बीट इज कॉल्ड, तो इसे ट्रिप कहते हैं जब भी कोई जर्नी परफॉर्म की जाती है वर्क टाइम पे। ठीक है, आगे है 28, द लिस्ट शोइंग द मैनर इन विच द आर्टिकल मस्ट बी डिस्पैच्ड इज कॉल्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, तो वो है सॉर्टिंग लिस्ट, जिसमें आर्टिकल्स का लिखा गया है कि कैसे आर्टिकल्स को डिस्पैच होना है। तो 29 है, द लिस्ट शोइंग द डिटेल्स ऑफ बैग्स टू बी रिसीव्ड एंड डिस्पैच बाय मेल ऑफिसेज, तो ऑप्शन नंबर बी, ड्यू मेल लिस्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, आगे, अ बैग यूज टू इनक्लोज कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ हाई ऑफिसर इज कॉल्ड। चार ऑप्शन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 30 का, तो राइट आंसर हो जाएगा स्पेशल बैग। ठीक है, ऑन विच रिवर बैंक ताजमहल इज सिचुएटेड, क्वेश्चन नंबर 31, तो राइट आंसर है यमुना नदी के तट पर है ताजमहल। रैम इन कंप्यूटर मींस, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका राइट आंसर होता है, रैम का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, अ स्पेशल काइंड ऑफ वूल कॉल्ड पश्मीना इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया, जैसलमेर, लद्दाख, तेलंगाना और शिमला, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, लद्दाख। आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास, विच इज़ द हार्डेस्ट एलिमेंट अवेलेबल इन द अर्थ, जो तत्व इस वक्त अवेलेबल है दुनिया में सबसे कठोर वो कौन सा है, तो वो डायमंड है, हीरा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 35 है, वेयर डिड महात्मा गांधी डू ही सत्याग्रह इन इंडिया, पटना, गया, चंपारण और बेगूसराय, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंपारण। क्वेश्चन नंबर 36 है, हु रोट गीतांजलि, तो गीतांजलि किसने लिखा, तो ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर जी राइट आंसर है इसका। और क्वेश्चन नंबर 37 है, द फेमस आर्टिस्ट बिस्मिल्ला खान वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, गिटार, शहनाई, तबला और फ्लूट, तो राइट आंसर है बिस्मिल्ला खान, शहनाई। भरतनाट्यम इज़ द डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और केरला, तो राइट आंसर है तमिलनाडु, भरतनाट्यम। इन विच गेम इंडियन प्लेयर नीरज चोपड़ा वॉन गोल्ड मेडल इन टोक्यो 2020 समर ओलंपिक्स, तो राइट आंसर है इसका जेवलिन थ्रो, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और आगे, हाउ मैनी गोल्ड मेडल्स इंडिया वॉन इन 2020 समर पैरालंपिक्स, ठीक है, चार ऑप्शन है, 7 गोल्ड मेडल, 6 गोल्ड मेडल, 5 गोल्ड मेडल और 4 गोल्ड मेडल, तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 40 का सी, 5 गोल्ड मेडल जीते इंडिया ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है, एवेल्यूट आपका बॉड मास का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 42 का आपका राइट आंसर रहेगा, इसका भी बी ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43 में आपका राइट आंसर रहेगा ए, 25%, और क्वेश्चन नंबर 43 में ए हो गया, क्वेश्चन नंबर 44 में राइट आंसर रहेगा आपका डी, 4%। आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 45 पे आपका राइट आंसर रहेगा डी, RS 792। क्वेश्चन नंबर 46 पे आपका राइट आंसर रहेगा सी, 73.2%। क्वेश्चन नंबर 47 पे आपका राइट आंसर रहेगा डी, 4N4/9R। और क्वेश्चन नंबर 48 पे आपका राइट आंसर रहेगा डी, 192nd। और क्वेश्चन नंबर 49 पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 40.50। और क्वेश्चन नंबर 50 पे राइट आंसर रहेगा डी, 0.05। तो उम्मीद करता हूँ मैं आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई होगी, आज का ये
अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होते तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। बाकी हम अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड मटेरियल मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।